नमस्कार, खबर फास्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। पाकिस्तान की टीम उम्मीद के साथ मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी है और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट में काफी उथल पुथल मची हुई है। लगातार चार मैच हारकर पाकिस्तान ने खुद को सेमीफाइनल की रेस से लगभग बाहर कर लिया है, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल करके वो लगातार चार मैच में अपने हार के क्रम को तोड़ने का प्रयास करेगा। विश्व कप 2023 में पाकिस्तान से भी बुरा हाल बांग्लादेश का रहा है। शाकिब अल हसन की अगुवाई वाली टीम ने 6 में से सिर्फ एक मुकाबला जीता है। करो या मरो के इस मुकाबले में दोनों ही टीमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहेंगी। पाकिस्तान के 4 अंक है और वो अब अधिकतम 6 अंक और जुटा सकता है, जिससे लीग चरण के बाद उसके अधिकतम 10 अंक हो सकते हैं। ललित कोहली क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित कोहली जी, आपका खबर फास्ट पर बहुत स्वागत है। आज करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि दोनों ही जो ये टीमें हैं इनकी इज्जत दांव पर लगी है, तो क्या माना जाए कि आज कौन सी टीम का पलड़ा भारी रह सकता है? देखिए, पाकिस्तान अपने आप में बड़ी मुकम्मल टीम थी इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने की, लेकिन जिस तरीके से उनका टीम कॉम्बिनेशन रहा वो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ दिखाई दे, और जिसका खामियाजा पाकिस्तान की टीम को ये रहा कि आज वो वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की रेस से भी बाहर हो गए हैं। कुछ आपसी विवाद चेयरमैन के ले लीजिए, वो जो पब्लिकली अनाउंस हो गए उनसे भी प्लेयरों के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और जहां तक बांग्लादेश की टीम भी एक बहुत अच्छी बैलेंस टीम है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके का आज करो या मरो का मुकाबला पाकिस्तान के लिए है और जिस तरीके से उनकी आलोचना भी पूरे पाकिस्तान में हो रही है, तो मुझे लगता है कि आज पाकिस्तान अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा अच्छा खेलेगा और इस मैच को जीत के कुछ सम्मान हासिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि नहीं तो उनका पाकिस्तान एयरपोर्ट पे उतरना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी ललित कोहली जी, पूरे वर्ल्ड कप जो ये मुकाबला हुआ है उसमें दोनों ही टीमों का प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रहा है, तो क्या माना जा सकता है कि क्या कुछ कारण थे जो दोनों ही टीमों का जो इतना अपसेट वाला प्रदर्शन रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो इश्यू आता है वो आता है आपकी फिजिकल फिटनेस का। फिटनेस को अगर आप देखेंगे तो दोनों टीमों की फिटनेस उस अव्वल दर्जे की नहीं है जो एक वर्ल्ड कप में होनी चाहिए। फिर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि आपका टीम कॉम्बिनेशन क्या है, कप्तान को उसके मुताबिक उसकी टीम मिली है कि नहीं मिली है, क्योंकि कई बार सिलेक्टर्स का कोच का बड़ा ज्यादा इंटरफेरेंस रहता है, जिसकी वजह से कप्तान को उनकी मनपसंद टीम नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से मनमुटाव होता है और प्रदर्शन वो नहीं हो पाता जो होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कप्तान को उसके मुताबिक टीम ना मिलना, साइकोलॉजिकल प्रेशर, ये सारी चीजों ने मिलकर दोनों टीमों को आज वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। नहीं तो बांग्लादेश देखिए, पिछले कई सालों में उन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। अगर आप इस वर्ल्ड कप में देखिए तो एक चमत्कार की टीम के तौर पे अफगानिस्तान की टीम देखिए, उन्होंने वर्ल्ड की तीन जो वर्ल्ड कप जीते उन टीमों को हराया। कल भी उन्होंने जो श्रीलंका के गए अपनी जीत हासिल की है। तो अगर इस वर्ल्ड कप में किसी टीम को कुछ सीखना है तो वो अफगानिस्तान टीम से सीखे कि किस तरीके से कमबैक करके मैच जीता जाता है। नहीं तो आप देखिए, बड़ी बड़ी टीमें धाराशायी होकर रह गई और अफगानिस्तान टीम इस टाइम मतलब एक ट्रम्प कार्ड की तरह चमक जाइए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कप्तान को उसके मुताबिक टीम ना मिलना, कोच और टीम का कप्तान का आपस में मनमुटाव होना, और आखिर में फिजिकल फिटनेस सबसे बड़ा फैक्टर रहता है। जी ललित कोहली जी, क्या माना जाए कि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो क्या बाबर आजम को इमरान खान जैसी किस्मत का यहां पर फायदा हो सकता है, क्योंकि साल 1992 में इमरान खान की जो टीम है वो लगभग बाहर हो गई थी, लेकिन आखिरकार एक चमत्कार हुआ और वो टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। मुझे अभी भी याद है उस वक्त सुनील गावस्कर जी ने अनाउंस किया था कि एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा, और अचानक से ऐसा चमत्कार हुआ कि वो लोग फाइनल में पहुंचे और जीत गए। लेकिन अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि देखिए ना तो कोई वेदर उनका सपोर्ट कर रहा है, कोई टीम ऐसी हारने वाली है नहीं है, और ऊपर पॉइंट्स टेबल में जो टीम है उनका बहुत बेहतर रन रेट, नेट रन रेट है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई चमत्कार होगा कि पाकिस्तान दोबारा कमबैक कर ले। हाँ, सम्मान ये जरूर हो सकता है कि आप अपने बचे हुए 2-3 मैच जीत के अपनी पब्लिक को एक जीत का तोहफा दे सकते हैं, जिससे कि इनका अपने देश में मान सम्मान बच जाए। नहीं तो ऐसा कोई ऐसा चमत्कार लगता नहीं कि पाकिस्तान आउट ऑफ वे जाके वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचे, क्योंकि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, अभी देखिए आप अफगानिस्तान कितना बेहतर कर रही है, उसके भी चांसेस बन रहे हैं सेमीफाइनल आने में। तो मुझे ऐसा कोई चमत्कार लगता नहीं है, सिर्फ चमत्कार लगता है कि वो आज का 2-3 मैच जीत के अपना मान सम्मान को बचा लें। जी, अगर मैं साल 2019 के वर्ल्ड कप की बात करूं तो साल 2019 में तब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ी थी, तो अफरीदी ने 5 से ज्यादा विकेट लिए थे, तो क्या इस बार भी ये उम्मीद पाकिस्तान की टीम से और अफरीदी से लगाई जा सकती है?
देखिए 4 साल में बहुत सारे समीकरण बदल जाते हैं अपने आप में। देखिए दोनों टीमें बेहतर हैं जीतने में, लेकिन हम लोग 5 साल जी 4 साल पहले की परफॉर्मेंस को आज दोबारा नहीं कर सकती, क्योंकि बांग्लादेश की टीम जो है वो अपने आप में भी जीतना चाहेगी, क्योंकि उनकी भी इज्जत दांव साग पे लगी हुई है। तो जी 4 साल पहले का तो वर्ल्ड कप कोई दिमाग में रख के नहीं खेलता, क्योंकि नया दिन नई पिच नई शुरुआत होती है हर एक के लिए। वर्ल्ड कप में परफॉर्म करके जीतना, नेशनल हीरो बनना उनका सपना रहता है। तो जी मुझे ऐसा नहीं लगता कि 4 साल वाला उनके दिमाग में होगा। हाँ, लेकिन एक साइकोलॉजिकल फैक्टर मोटिवेट करने के लिए एक टीम को, बॉलर के लिए बहुत आता है कि हाँ मैंने लास्ट ईयर इस टीम के अगेंस्ट जी इतनी विकेट ली थी, इतने रन बनाए थे, तो वो एक जो है मोटिवेशनल फैक्टर जरूर रह सकता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आज का मैच जो है ना पाकिस्तान को निकालना चाहिए और वो निकाल भी देगी। और क्या माना जाए कि आज अकर जवान को प्लेइंग 11 में यहां पर जगह मिल सकती है क्या? देखिए आज जिस किसी को भी प्लेइंग में जगह मिले, जवान है जो भी हो, मेरे को ये मान के चलिए कि उस प्लेयर को आउट ऑफ वे एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करके अपनी टीम को जिताना पड़ेगा, चाहे वो पाकिस्तान की टीम है या बांग्लादेश की टीम है। उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करेंगे तभी वो जीत पाएंगे, और जो भी आज जीतेगा कम से कम वो नेशनल हीरो बन के अपनी और अपनी टीम की इज्जत को जरूर बचा पाएगा। जी तो सबसे अहम है कि जो भी प्लेयर खेले वो अपनी क्षमता के मुताबिक परफॉर्म करे, ताकि कप्तान को भी भरोसा रहे कि हाँ जो टीम उसने चुनी है वो जीत के काबिल है। जी देखिए, जो बांग्लादेश की टीम है वो लगभग लगभग सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से यहां पर जीतने की कोशिश पूरी टीम की तरफ से की जाएगी। बांग्लादेश की मैं बात कर रही हूं। देखिए बांग्लादेश की जैसे साकिब हसन आ गए वापस, उनका बड़ा बैलेंस टीम है, पिछली मैच नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी मैं बांग्लादेश की टीम का हमेशा से फैन रहा हूं। जिस तरीके से उनकी पॉजिटिव अप्रोच रहती है हर मैच को लेने के बाद भी, जी मैं अभी भी देखिए मैं बहुत बड़ा फैन अफगानिस्तान टीम को हो चुका हूँ बांग्लादेश के अलावा, कि जिस जुनून से वो लोग आए हैं किसी ने सोचा नहीं था कि उन्होंने 3 वर्ल्ड की उन बेहतरीन टीमों को हरा दिया जो वर्ल्ड कप के कभी विनर रह चुके थे। तो जी किसी भी टीम को अगर आज सीखना है, जीत हासिल करनी है, तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान की क्लिप्स देखें और उनको देख के मोटिवेट होकर फील्ड में उतरे तो शायद वो टीम जीत हासिल कर भी पाए। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे आज पॉइंट टेबल की बात करेंगे या आंकड़े पूछेंगे, तो मैं आज 60-40 पे जाऊंगा। 60% पाकिस्तान की जीत निश्चित है, 40% इसलिए कह रहा हूं कि बांग्लादेश किसी वक्त भी वापसी कर सकता है, लेकिन आज बाबर आजम की टीम अपनी क्षमता के मुताबिक अच्छा प्रदर्शन करेगी। देखिए, आज तमाम क्रिकेट फैंस की नजरें इस बेहद रोचक मुकाबले पर है। ईडन गार्डन्स में ये मैच होने वाला है, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान। आपका क्या कहना है कि कौन सी टीम अभी यहां पर ताकतवर दिखाई दे रही है? देखिए पाकिस्तान हमेशा से, मतलब वेस्ट इंडीज के बाद अगर बात की जाए, तो पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो एक घातक अनप्लेबल फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो धाक हमें, वो साख हमें इस वर्ल्ड कप में देखने को नहीं मिली। जिस वक्त वकार, यूनिस, वसीम अकरम, आकिब जावेद ऐसे बॉलर होते थे जो वर्ल्ड की किसी टीम को भी धराशायी कर देते थे, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं उनकी जो स्ट्रेंथ बॉलिंग है वो कहीं पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, स्पिन जी अटैक भी कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज सिर्फ पाकिस्तान के पास कुछ बचा है तो वो बची है उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को आज टॉस जीत के फिर मैं यही कहूंगा कि बैटिंग करके एक अच्छा स्कोर बनाए, ताकि बांग्लादेश को कम रेट पे आउट कर सके और कहीं ना कहीं अपनी इज्जत को कायम रख सके, क्योंकि बाबर आजम की टीम से भी पाकिस्तान के प्रेमियों को उम्मीद है कि वो जीते। ठीक जी है वर्ल्ड कप से वो बाहर लगभग लगभग हो ही गए, लेकिन आखिरी के 2-3 मैच जीत के भी आप अपना जो है टीम का मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज आंकड़े अगर देखें तो पाकिस्तान की टीम ज्यादा स्ट्रांग लग रही है मुझे। ललित कोहली जी, यहां पर मैं आपको रोकना चाहूंगी और बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है, क्रिकेट जगत जगत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच आज मुकाबला है और दोनों ही टीमों के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में मुकाबला होने वाला है। बेहद ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है और बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मुकाबला आज होने वाला है और बांग्लादेश ने टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ये मुकाबला खेला जाएगा और सभी क्रिकेट प्रेमियों की नजर आज के इस रोमांचक मैच पर बनी हुई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच आज यहाँ पर रोमांचक मैच होने वाला है। ललित कोहली जी, बांग्लादेश ने यहाँ पर टॉस जीतकर सबसे पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। देखिए पाकिस्तान भी जीतता तो पहले बल्लेबाजी करता, क्योंकि ईडन गार्डन की पिच बड़ी बैटिंग सपोर्टिव पिच है जो बैट्समैन को रन देती है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा अगर बांग्लादेश ने कहीं 250+ के ऊपर स्कोर बना दिया, क्योंकि
पाकिस्तान की सारी बैटिंग जो है वो बाबर आजम और रिजवान के आसपास घूमती है। बाकी प्लेयरों से आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, अगर करते भी हैं तो वो कहीं ना कहीं बीच में लड़खड़ा जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश ने अगर आज कहीं 250 प्लस बना दिए तो पाकिस्तान के लिए इस चुनौती को झेलना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। और मैं बांग्लादेश की टीम की सराहना करूंगा कि उन्होंने टॉस जीत के बल्लेबाजी ली, क्योंकि वो क्षमता रखते हैं कि 250 प्लस स्कोर इस पिच पे बन सकता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान को आज बड़ा संयम से बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जी ये मैच है जिसमें कि वो अपनी कम से कम कुछ साख और इज्जत को कायम रख सकते हैं। जी देखिए, अभी हमने बड़ी खबर बताई है और उसमें बांग्लादेश ने अपना टॉस जीत लिया है और सबसे पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। तो ललित कोहली जी, क्या माना जाए कि बांग्लादेश की टीम सबसे पहले बैटिंग करके 300 प्लस का स्कोर यहां पर बनाकर पाकिस्तान की टीम पर दबाव बना सकती है? देखिए, स्कोर 300 प्लस तो नहीं बनेगा, क्योंकि अगर 300 प्लस बनता है फिर तो पाकिस्तान का जीतना बहुत मुश्किल है। मेरे हिसाब से ये स्कोर 250-300 के बीच में रहेगा, तब जाके बात है, क्योंकि पाकिस्तान के बॉलर देखिए अभी तक वो प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन वापसी कर सकते हैं वो किसी वक्त भी। और आज जिस तरीके से बाबर आजम ने उनको जरूर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से सलाह दी होगी, टिप्स दी होगी, मैनेजमेंट की तरफ से भी होगी, तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान भी चाहेगा कि उनको कम से कम स्कोर मिले, लेकिन मुझे लगता है फिर भी 250 प्लस स्कोर यहाँ पे जरूर बनेगा आज। ललित कोहली जी, अगर आज पाकिस्तान ने अपना ये मैच यहाँ पर नहीं जीता तो ये बिल्कुल वाक्य तय है कि पाकिस्तान में आज टीवी टूटने हैं। देखिए, मैं टीवी तो जरूर टूटेंगे, तो उससे ज्यादा दुख की बात ये होगी कि ये एयरपोर्ट पे वहां उतर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि फैंस को बहुत ज्यादा निराश होगी। पहला मैच आप हिंदुस्तान से हारे, फिर उसके बाद सबसे हारते गए, तो कहीं ना कहीं उनके फैंस का दिल टूटा, क्योंकि उनकी इनके साथ भावनाएं जुड़ी हुई है। जी हिंदुस्तान पाकिस्तान में अगर आप देखिए तो क्रिकेट एक रिलीजन की तरह पूजा जाता है, और ये लोग उन लोगों के लिए देवता से समान कम नहीं है जो लोग यहाँ पे खेलने आते हैं। जी आप हारिए, हारने की दिक्कत पब्लिक को नहीं होती, लेकिन आप फाइट करके तो हारिए, आखिर तक तो जाइए। अब आप जी देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए शामी का, दो मैच नहीं जी खेले, वापसी करी, दो मैचों में 9 विकेट ले ली, कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो कहीं ना कहीं आपको कूल रहना पड़ता है इतने बड़े वर्ल्ड कप में आने के लिए। पाकिस्तान के कोच ने स्टेटमेंट दी थी जब वो हिंदुस्तान से आ रहे थे कि हम लोग यहाँ के लोग सपोर्टिव नहीं है, क्राउड सपोर्टिव नहीं है, तो उनको एक इंग्लैंड के प्लेयर ने ये कहा कि जब आप इंटरनेशनल प्रेशर को नहीं हैंडल कर पाएंगे तो आप क्रिकेट क्या खेलेंगे। तो आपको जी अपनी टीम को इतने बड़े लेवल पे तैयार करना पड़ता है, तो जी तब जाके आपको जीत हासिल होती है। वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम पिछड़ती दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आज अगर 250 प्लस स्कोर बना तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होगा ये। जी अगर हम पिच की बात करें तो ईडन गार्डन्स में ये मैच हो रहा है, तो क्या माना जाए कि इस पिच पर गेंदबाज या फिर बल्लेबाज कौन से हावी ज्यादा हो सकते हैं? देखिए, मैंने पहले ही आपसे जिक्र किया कि ईडन गार्डन की पिच जो है बड़ी बैटिंग सपोर्टिव पिच है, इसलिए टॉस जीत के बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि उनके दिमाग में भी ये होगा कि कहीं ना कहीं 250 प्लस स्कोर बनाना चाहिए। 300 तो देखिए बॉलिंग पाकिस्तान का अटैक अच्छा है, 300 तो बांग्लादेश को नहीं बनाने देंगे, लेकिन मेरा ये मानना है 125-300 के बीच में रन बनता है तो एक बड़ा अच्छा दिलचस्प मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। और फिर पाकिस्तान की बैटिंग देखनी है कि अगर बाबर आजम और रिजवान किस तरीके से इस मैच को खींचते हैं, लेकिन जी फिर भी पता नहीं, एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान आज के मैच को निकालने में सफल रहेगा। देखिए, फकर जवान को प्लेइंग 11 में यहां पर जगह मिल चुकी है, तो क्या माना जाए कि पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को यहां पर फकर जवान के प्लेइंग 11 में शामिल होने के बाद मजबूती मिली है? देखिए, हर प्लेयर का सपना होता है कि कम से कम वर्ल्ड कप जरूर खेले। जिस तरीके से आपने कहा कि उनको चांस दिया गया, उनका मनोबल जरूर बढ़ा होगा, टीम का भी बढ़ा होगा, जी और अब उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि टीम मैनेजमेंट ने, कप्तान ने अगर मुझे चांस दिया तो प्रूव करना पड़ेगा। अब जी प्लेयर की जिम्मेदारी इस वक्त बहुत बढ़ गई है कि वो अपने आप को किस तरीके से प्रूव करे, क्योंकि जी अगर आप प्रूव नहीं करते तो फिर कहीं ना कहीं आप बैक सीट पे आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उस प्लेयर के ऊपर ज्यादा दबाव है आज अपने आप को प्रूव करके और साथ ही अपनी टीम को जिताने का। और मुझे लगता है कि जो भी प्लेयर को आज चांस मिल रहा है वो इसमें कामयाब होने की पूरी कोशिश करेंगे। जी पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का आज मैच है और सभी लोगों की यहाँ पर नजरें टिकी हुई है, खुद भारतीय लोगों की भी यहाँ पर नजरें टिकी हुई है, तो क्या माना जाए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में कौन सी आज की टीम मजबूत है? देखिए, पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान बांग्लादेश, ये सारे मैच अपने आप में ना पब्लिक टीवी के आगे बैठी रहती है कि क्या होगा, क्योंकि इनकी आपस में टक्कर इतनी वो है कि हर एक कोई चाहता है कि मेरी टीम जीते। लेकिन निश्चित तौर पे अगर आज कहीं पाकिस्तान लड़खड़ाता है तो मान के चलिए कि आज हिंदुस्तान में दिवाली मना दी जाएगी, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आज बांग्लादेश का दिन शानदार है और पाकिस्तान वापसी करके अपने घर के या अपने देश के टीवी टूटनों से
बचा सकते हैं। जी, तो देखना है कि पाकिस्तान आज टीवी बचाता है या गंवाता है। तो देखने वाली बात तो ये रहेगी कि पाकिस्तान आज अपना अपने टीवी यहां पर बचाता है या फिर गंवाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारतीयों की जिस तरीके से नजर है, क्रिकेट फैंस ज्यादातर भारत में है, तो यहां पर भारत के जितने भी क्रिकेट फैंस है वो किसको सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान? देखिए, हिंदुस्तान की पब्लिक बड़ी सपोर्टिव रही है, उसने हमेशा गेम को प्रमोट किया। आप हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच में भी देखेंगे, अगर पाकिस्तान के प्लेयरों ने भी रन बनाए, विकेट ली, तो उन्होंने उनको भी अप्रिशिएट किया। वो मैच वो प्रेशर की वजह से हारे थे, ऐसा नहीं। हाँ ठीक है, जीतने के बाद जश्न बनता है, हर टीम का जो हारती है उसके पब्लिक जरूर निराश होती है, जीतने वाली जीतती है, हिंदुस्तान की पब्लिक भी खुश मनाएगी, लेकिन वो सबसे ज्यादा खेल को देखना चाहती है कि फाइटिंग गेम देखने को मिले, खेलने को मिले। दिवाली तो देखिए जरूर मनेगी हिंदुस्तान में अगर आज पाकिस्तान हारेगा, लेकिन फिर भी देखिए हिंदुस्तान की पब्लिक सपोर्टिव है, उसने कभी नेगेटिव कमेंट्स नहीं किए आपके ऊपर, कभी बॉटल ऐसा नहीं फेंका। तो मैं यहाँ पे पब्लिक को जरूर सपोर्ट करूंगा कि वो गेम को सपोर्ट करती है। जश्न जरूर होना चाहिए जिसकी भी टीम हारेगी, और जो जीतेगी जश्न होना चाहिए। और हिंदुस्तान, मुझे लगता है कि आज पब्लिक जरूर आज बांग्लादेश को जो है सपोर्ट कर रही होगी कि पाकिस्तान किसी तरीके से टूर्नामेंट में अब जो भी चांस बचे वो भी ना रहे। जी, पाकिस्तान की अगर टीम हारती है तो यहाँ पर आपको बताते चले कि भारत में दिवाली मन जाएगी, लेकिन क्या माना जाए कि बांग्लादेश के कौन से ऑर्डर पर सबसे ज्यादा प्रेशर रहने वाला है? देखिए, कोई मैंने हमेशा एक जिक्र हर शो में किया है कि देखिए आपकी टीम की सफलता डिपेंड करती है आपके पहले तीन चार बल्लेबाजों के ऊपर। अगर वो आपको सॉलिड स्टार्ट देते हैं तो आप निश्चित तौर पे मिडल ऑर्डर और जो टैलेंटर्स हैं उनके ऊपर से प्रेशर हट जाता है, आप एक बड़े विशाल स्कोर की तरफ बढ़ते हैं। वहीं पे मैं बॉलिंग को कहता हूं, अगर आपके बॉलर आपको अर्ली ब्रेक थ्रू देते हैं तो आप बैटिंग टीम की कमर तोड़ देते हैं। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान के जो सीमर है वो कितना आपको अर्ली ब्रेक थ्रू देते हैं ताकि बांग्लादेश की टीम बड़ा स्कोर ना बना सके। तो फिर कंपटीशन बिटवीन ओपनिंग बॉलर और ओपनिंग बैट्समैन के बीच है, अब कौन बाजी मारेगा इस बैटिंग पिच के ऊपर वो देखना खूबसूरत होगा कि बैट्समैन जीतता है या बॉलर जीतता है। तो आज कौन बाजी मारेगा इस पर सभी की नजर बनी हुई है, लेकिन अगर मैं साल 2019 के वर्ल्ड कप की बात करूं तो तब ये दोनों टीमें जीती थी, और आज ये साल 2023 में ये वर्ल्ड कप दोनों टीम के बीच हो रहा है, तो क्या माना जाए कि कितना यहां पर बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार भी बहुत शानदार मुकाबला हुआ था इन दोनों ही टीमों के बीच और एक बार फिर से ये शानदार मुकाबला होने वाला है? देखिए, चार साल में एटमोस्फेयर, पिच, वेन्यू, प्लेयर सभी चेंज हो गए, लेकिन जुनून नहीं बदला है। जुनून ये है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान, पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने हराना है। वहीं बांग्लादेश पाकिस्तान का मैच अपने आप में चोटी की टक्कर का मैच, आप देखिए मिलियंस ऑफ लोग आज इस टीवी पे मैच को देख रहे होंगे कि कौन जीतेगा जी। और सबकी निगाहें ज्यादातर पाकिस्तान के ऊपर होंगी कि वो जीते, कम से कम अपना इज्जत बचा सके। लेकिन आप बांग्लादेश को कम नहीं आंक सकते, जैसे मैंने कहा कि 60-40 रहेगा, लेकिन फिर भी आज जो सपोर्ट रहेगी वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा रहेगी। शायद यही वजह है कि मैं आंकड़े 60-40 बता पा रहा हूं कि पाकिस्तान का आज जीतना लगभग लगभग थोड़ा सा मुमकिन दिख रहा है। तो पाकिस्तान का आज जीतना लगभग लगभग मुमकिन देखने को मिल रहा है। ललित कोहली जी जो क्रिकेट एक्सपर्ट है उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है। लेकिन ललित कोहली जी, मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है कि देखिए जो फैंस स्टेडियम में बैठे रहते हैं उनका भी एक दबदबा टीम पर पड़ता है, तो क्या माना जाए कि जो ईडन गार्डन्स में जो मैच होने वाला है तो फैंस के कारण कौन सी टीम पर दबदबा ज्यादा रहेगा और कौन सी टीम की यहां पर हालत नाजुक रहेगी? देखिए, स्टेडियम में अगर लोग देखने नहीं आएंगे तो आपको वो मजा नहीं आएगा। अगर मैं थिएटर में परफॉर्म करूंगा, पब्लिक ही नहीं होगी तो मैं परफॉर्म क्या करूंगा? तो फैंस के कारण कौन सी टीम पर ज्यादा यहां पर एक अच्छा प्रेशर होता है, एक बेकार प्रेशर होता है, तो कौन सी टीम पर अच्छा प्रेशर रहेगा? देखिए, बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर ज्यादा रहेगा क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने वापसी करनी है और वो इसमें सक्षम भी है, और पाकिस्तान को थोड़ा सा सपोर्ट हिंदुस्तान की पब्लिक का जरूर मिलेगा क्योंकि देखिए हिंदुस्तान की पब्लिक हमेशा अच्छे खेल को प्रमोट करती है। बांग्लादेश ने कई बार हिंदुस्तान के साथ जो क्रिकेट खेली है उन्होंने बड़ी कई बार एक दो बार नेगेटिव अप्रोच किया अगेंस्ट दी रूल्स, कह लीजिए तो वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की टीम में कम दिखाई देती है इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। तो मुझे लगता है कि आज के मैच में ईडन गार्डन में कुछ तो सपोर्ट पब्लिक जो होगी वो पाकिस्तान को जरूर करेगी इन कंपैरिजन टू बांग्लादेश। तो पब्लिक का सपोर्ट पाकिस्तान के साथ रहेगा, प्रेशर बांग्लादेश के ऊपर रहेगा, ये भी आप मान के चलें। तो ऐसे क्या कारण है कि जो ईडन गार्डन्स की जो फैंस है, जो पब्लिक है, वो बांग्लादेश की जगह पाकिस्तान को यहां पर सपोर्ट करती हुई नजर आएगी, किन कारणों की वजह से?
पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान का बहुत बड़ा जिसे कहते हैं टक्कर देने वाला वो रहा है, तो पब्लिक चाहेगी कि पाकिस्तान जीत के आगे और पॉइंट्स टेबल में बढ़े, क्योंकि पाकिस्तान अगर आगे बढ़ती है तो और टीमों को हराने में सक्षम है। देखिए बांग्लादेश भी लगभग लगभग टूर्नामेंट से बाहर है, पाकिस्तान भी बाहर है, लेकिन पाकिस्तान को जीत के देखना हिंदुस्तान वालों की पब्लिक की जरूर इच्छा होगी, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता, वो फाइटिंग स्पिरिट जो है ना, वो बांग्लादेश के अंदर आपको कम दिखाई देगी। वो एथिक्स, मोरल वैल्यू, स्पोर्ट्समैनशिप की अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में पिछड़ता हुआ दिखाई देता है। और जहां तक कलकत्ता की बात, कलकत्ता में आप देखिए बहुत ज्यादा पाकिस्तान कम्युनिटी के लोग हैं और वो सपोर्ट आपको मोटिवेट करने के लिए, जीत करने के लिए काफी है। तो इन कंपैरिजन टू पब्लिक सपोर्ट, क्राउड सपोर्ट, वो पाकिस्तान का ज्यादा है, इस वजह से पाकिस्तान का थोड़ा सा पलड़ा आज के मैच में भारी रहेगा। देखिए अगर हम इडन गार्डन्स की पिच की बात करें तो क्या माना जा सकता है कि बांग्लादेश की टीम इस पिच पर कितने रन बना सकती है, आपके लिहाज से क्या हो सकता है, और पाकिस्तान की टीम इस पिच पर कितने रन बना सकती है? देखिए वैसे तो मैं पाकिस्तान के अटैक को देखते हुए कहूं तो वो उनको 200 पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि बल्लेबाजी वाली पिच है तो आप मान के चलिए 250 प्लस और 300 से नीचे जो भी स्कोर होगा पाकिस्तान उसको चेस करने में सक्षम है। लेकिन ये जरूर है कि अब बांग्लादेश की टीम 300 स्कोर पाकिस्तान के अगेंस्ट चेस नहीं बना पाएगी, क्योंकि इतना अच्छा अटैक है लेकिन वो 300 क्रॉस नहीं कर पाएगी। एनीथिंग बिलो 300 इज चेजेबल फॉर पाकिस्तान। और आपको क्या लगता है कि आज कौन सी टीम, क्योंकि आपने जैसा कि जानकारी दी है कि पाकिस्तान की टीम का आज दबदबा भारी रह सकता है बांग्लादेश की टीम पर, तो बांग्लादेश की टीम आज उनके गेंदबाज कैसा प्रदर्शन करने वाले हैं, उनके बल्लेबाज आज कैसा प्रदर्शन करने वाले हैं, क्योंकि सामने है पाकिस्तान? देखिए सबसे पहले बांग्लादेश का टारगेट ये होना चाहिए कि पूरे 50 ओवर खेले, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने कहीं उनको ऑल आउट कर दिया तो उनके लिए बहुत निराशाजनक रहेगी। अगर बांग्लादेश की टीम 50 ओवर खेलती है तो निश्चित तौर पे 250 रन प्लस जरूर बनेंगे, लेकिन वहीं पे पाकिस्तान आज कोशिश करेगा कि उनको पूरे 50 ओवर ना खिला के कहीं 200 सवा 200 में आउट करने की कोशिश करें। पर जैसे कि सपोर्टिंग पिच है, बैटिंग पिच है, 250 रन बनने चाहिए तभी आपको मैच में भी मजा आएगा। बांग्लादेश की अगर आप बॉलिंग की बात करें तो देखिए साकिब हसन और जिनके बॉलर पेसर जो है उनके अंदर जुनून बहुत ज्यादा है, वो वापसी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप बैटिंग की बात करेंगे तो बांग्लादेश से पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए मेरे को लग रहा है कि बांग्लादेश जो भी स्कोर बनाएगा पाकिस्तान उसको चेस करने में आज कोई कसर नहीं छोड़ेगा और उसको हासिल भी कर लेगा, ऐसा मेरा एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट मानना है। लेकिन ललित कोहली जी एक दिलचस्प बात यह भी है कि साल 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अभी तक भी पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अभी तक सारी वो चीजें जो नहीं हुई वो इस वर्ल्ड कप में हो रही हैं। अफगानिस्तान ने 3 मैच जीते वो नहीं हुए, इंग्लैंड मैच टूर्नामेंट से बाहर हो गई, तो इस टूर्नामेंट में जो हिंदुस्तान की धरती पे हो रहे ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं जो आज तक वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में नहीं हुए। तो अगर पाकिस्तान अब तक पूरे 50 ओवर नहीं खेला तो मान के चलिए कि पाकिस्तान आज भी 50 ओवर नहीं खेलेगा जब चेस करेगा, हो सकता है वो उससे पहले ही उसको चेस कर ले। तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान आज अपनी क्षमता के मुताबिक इस टोटल जो भी बनेगा उसको चेस करने में सक्षम है। और जैसा कि आपने जानकारी दी है कि कई बड़े चमत्कार इस बार वर्ल्ड कप में हुए हैं साल 2023 के में, और हमने जैसा कि आपको बताया था कि 50 ओवर अभी तक भी पाकिस्तान की टीम नहीं खेल पाई है, अगर ये 50 ओवर पूरे खेल भी पाती है तो क्या माना जाए कि किसका सबसे बड़ा योगदान आज के इस मैच में होने वाला है? देखिए आज पाकिस्तान को बाद में बैटिंग करनी है, या तो वो ऑल आउट हो जाएगा या 50 ओवर से पहले रन चेस कर लेगा। आंकड़े वही है कि आज भी पाकिस्तान पूरे 50 ओवर नहीं खेलेगा, क्योंकि 50 ओवर तक गेम गया फिर तो चेस का फायदा ही नहीं है। या तो पाकिस्तान 50 ओवर से पहले चेस कर लेगा या आउट हो जाएगा। लेकिन मुझे जिस तरीके से आज बैटिंग उनकी लग रही है और जिस तरीके से उन्होंने पीछे चेस भी किया था इतना बड़ा टोटल, जिसमें रिजवान थोड़े कॉन्ट्रोवर्सी में भी आ गए थे, तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश का बॉलिंग अटैक अच्छा है, लेकिन जिस तरीके की मजबूत बैटिंग पाकिस्तान की है उसको देखते हुए लगता है कि बांग्लादेश जो भी टोटल बिलो 300 करेगा उसको पाकिस्तान चेस करने में सक्षम रहेगा और उसे चेस कर भी लेगा। लेकिन ललित कोहली जी जो एक चीज इस बार के वर्ल्ड कप में देखने को मिली है, बाबर आजम की अगर हम बात करें तो वो 50 रन बनाने के बाद एक गलत शॉट मारते हैं, एक लंबा शॉट मारते हैं और उसके बाद वो आउट हो जाते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस जो है, जिस तरीके से पीछे बाबर आजम ने इतनी सेंचुरी बनाई, उनका नाम विराट कोहली के साथ जोड़ा जाने लगा। देखिए आप किसी भी मकाम पे पहुंचना मुश्किल नहीं है, उसको मेंटेन करके रखना बड़ा मुश्किल है। बाबर आजम की जब तुलना विराट कोहली और बड़े बड़े प्लेयरों से होने लगी तो उस स्टैंडर्ड को उनको मेंटेन करके रखना था जो वो नहीं कर पाए। शायद इसी वजह से उनको पाकिस्तान टीम की कप्तानी भी दी गई कि शायद वो उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, लेकिन एज ए प्लेयर वो बहुत बेहतरीन खेल रहे थे। कप्तानी मिली, कप्तानी का प्रेशर प्लस वर्ल्ड कप का प्रेशर
प्लस अच्छा डिलीवर करने का प्रेशर में वो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी खोते चले गए। देखिए एवरीबॉडी इज नॉट ए कैप्टन मटेरियल। बाबर आजम एक बहुत अच्छे प्लेयर थे हैं, लेकिन वो कैप्टन मटेरियल नहीं है। जैसे मैं अगर बात करूं सचिन तेंदुलकर को भगवान कहा जाता है क्रिकेट का, लेकिन वो बहुत अच्छे कप्तान कभी नहीं थे। रिकी पॉन्टिंग बहुत अच्छे कप्तान और प्लेयर भी रहे, महेंद्र सिंह धोनी। तो मेरा ये मानना है एवरीबॉडी इज नॉट ए कैप्टन मटेरियल, उसी कैटेगरी में बाबर आजम भी आते हैं जो शायद एक प्लेयर रहते तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते और अपनी टीम को जिताते भी। तो मुझे लगता है कहीं मैनेजमेंट ने ये गलत फैसला लेके उनको कप्तान बना के उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में भी प्रभाव पड़ा और टीम की परफॉर्मेंस में भी प्रभाव पड़ा। आज अब अगर आप बाबर आजम को कप्तानी से हटा दीजिए तो आप देखिएगा कि हर दूसरे मैच में उनका शो होगा। क्यों? क्योंकि कप्तानी का प्रेशर नहीं है। अभी कप्तानी का प्रेशर, टीम से परफॉर्मेंस देने का प्रेशर, टीम को एकजुट लेके चलने का प्रेशर। तो बाबर आजम अपनी परफॉर्मेंस से पिछड़ते गए, शायद यही वजह है कि आज वो रन नहीं कर पा रहे। तो अब से कुछ ही देर बाद मुकाबला शुरू होने वाला है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, और देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आखिरकार कौन सी टीम आज यहां पर जीत हासिल करती है। ललित कोहली जी, आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो आज का ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है और सभी की नजरें बनी हुई है कि आखिरकार कौन सी टीम आज यहां पर जीत दर्ज करती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट।